हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे आयुष बाबा डेली क्विज का करंट अफेयर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डे 3 है ये आज। सो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD के बारे में पूछा है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं। यहाँ पे इट इज़ एम एट द इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर इन द रूरल एरियाज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। सेकंड है, इट इज़ वन ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्पेसिफाइड एजेंसी, UN एजेंसी है, के बारे पूछा है। इट इज़ हेडक्वार्टर इन द वॉशिंगटन DC USA। सो ये जब भी कभी एग्रीकल्चर से या फिर फूड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन USA में नहीं होता है, रोम इटली में होता है, फूड से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। सो ये थोड़ा ट्रिक्ट है। और फर्स्ट एंड सेकेंड इसका जो ऑप्शन है वो सही है। ये एम किया था इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर इन द रूरल एरियाज फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, और इट इज़ वन ऑफ द यूनाइटेड स्पेशलाइज एजेंसी है ये। सो इसका आंसर है बी। आप देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो मैंने जो बताया। ये इस्टेब्लिश हुआ था एज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन 1977 एज वन ऑफ द मेजर आउटकम्स ऑफ द 1974 वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस, हेडक्वार्टर रोम इटली में। यहाँ पे कॉम्पैक्ट 2025 के बारे में यहाँ पे पूछा है और दो ऑप्शन दिए। बीइंग अ मेंबर ऑफ द कॉम्पैक्ट 2025 सिग्नल्स एंगेजमेंट एंड बाइन फॉर स्टेक होल्डर अक्रॉस द मल्टीपल सेक्टर टू वर्क टुगेदर टू एंड हंगर एंड अंडर न्यूट्रिशन बाय 2025। इट इज़ इनिशिएटेड एंड फैसिलिटेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। सो करेक्ट पूछा है यहाँ पे। सो ऑप्शन 1 करेक्ट है इसका। वर्ल्ड बैंक से इनिशिएट नहीं किया था इन्होंने, ये इनिशिएट किया था यहाँ पे। ये यहाँ पे दिया है क्या? हाँ, ये इनिशिएट किया था इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इनिशिएट किया था, वर्ल्ड बैंक ने नहीं किया था। तो ये पूरा डिटेल्स दिया है यहाँ पे। एलिमिनेटिंग हंगर एंड अंडर न्यूट्रिशन इज़ द की टू एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, डूइंग सो पेव्स एज अ वे ऑफ अचीविंग मल्टीपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पता होना चाहिए। 17 या 18 कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। आप नीचे मुझे कमेंट कीजिए और बताइए। कॉम्पैक्ट 2025 इज़ एन इनिशिएटिव फॉर द एंडिंग ऑफ हंगर एंड अंडर न्यूट्रिशन बाय 2025। इसका इनिशिएटिव है 2025 तक एंड करना है हंगर और अंडर न्यूट्रिशन को। इट ब्रिंग्स स्टेक होल्डर टुगेदर टू सेट प्रायोरिटीज, इनोवेट एंड लर्न एंड फाइंड टू एक्शन, बिल्ड ऑन द सक्सेसेस एंड शेयर लेसन टू एस्केलेट प्रोग्रेस। और बीइंग अ मेंबर ऑफ द कॉम्पैक्ट 2025 सिग्नल्स एंगेजमेंट एंड बाय इन द स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द मल्टीपल सेक्टर टू वर्क टुगेदर एट द कंट्रीज लेवल टू एंड हंगर एंड अंडर न्यूट्रिशन बाय 2025। और ये बताया मैंने, ये फैसिलिटेट किया था इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिहिर शाह कमेटी के बारे में पूछा है। ये वाटर रिफॉर्म से रिलेटेड है। सो इतना ही ध्यान में रखना है आपको मिहिर शाह के बारे में कमेटी। और फॉर द वर्ल्ड मनी क्या इंक्लूड होता है इसमें? सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स या अदर डिपॉजिट विद RBI। सो 1 और 2 करेक्ट है इसका। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। और आप देख सकते हो, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट विद RBI, ब्रॉड मनी उसमें इंक्लूड होता है, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस नहीं होता है। और यहाँ पे कुछ दिया है M3 में क्या इंक्लूड होता है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। और M1 में क्या है? करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट विद द RBI। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज करेक्ट? सो इसका आंसर है, इट इज़ एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ द बैंक रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में यहाँ पे दिया है। इट इज़ द रेशियो ऑफ द बैंक कैपिटल इन द रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। इट इज़ डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक एंड द बैंक रेगुलेटर टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम टेकिंग एक्सेस लेवरेज एंड बिकमिंग इंसॉल्वेंट इन द प्रोसेस। इट इज़ मेजर एज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसमें क्या इंक्लूड होता है? Tier 1, Tier 2, Tier 3 कैपिटल फंड्स डिवाइडेड बाय द रिस्क वेटेड एसेट्स। द रिस्क वेटेड एसेट्स
take into account credit risk, market risk and operational risk. The Basel III norms stipulated a capital risk to weighted asset of the 8%, and the bank are mandated to maintain the minimum 9% capital adequacy ratio plus capital and conservation buffers of a 2.5%. So bank ko 9% capital adequacy ratio maintain karna padta hai, plus capital conservation buffer 2.5% rehta hai. So ye मैं आंसर पे इसलिए जंप करता हूँ क्योंकि अभी रिवीजन ही कर रहे हैं हम. सो बहुत कम टाइम बचा है अभी प्रीलिम्स के लिए. सो इसलिए दैट्स व्हाई मैं ये आंसर पे डायरेक्ट जंप करता हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज होने से अच्छा आपको सिर्फ ये क्यू न्यूज़ मेरा है ये पढ़ना है. मेरा मकसद ये है कि थोड़ा इससे थोड़ा यूज टू हो जाए कि ये न्यूज़ में क्यों रहा है, किसने लॉन्च किया है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, किस कंट्री से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन करंट टॉपिक से रिलेटेड है. बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने आयस भवन लिया है. डेली है, डे वन से लेकर डे 190 तक पूरा 6-7 महीने का करंट अफेयर है. सो ये डे 3 का था, और डे 4 का मैं आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा. सो थैंक यू सो मच.